अच्छा भाई एक बात बताओ, पहले के युग में और कलयुग में कहा जाता है कि 7 भाई और 1 बहन रहा करते थे। हाँ, इस बारे में तो थोड़ा बहुत हमको पता है, देखिए क्योंकि कहानी के दौर में मतलब कैसा, दादू लोग दादी लोग एक जगह जब हम लोग बैठते थे बचपन में तो लोग सुनाते थे कि हाँ 7 भाई 1 बहन हुआ करती थी, और उसका मतलब कि 7ों भाई ने अपने एक छोटी बहन का और लोग मार के मांस खाया था, ये चीज़ को मतलब हमको पता है। अच्छा, हम कैसे विश्वास करें कि ये सही है या गलत है? 100 में से हमको लगता है 40% सही है, 60% गलत है, कैसे यकीन करें? देखो भाई, तुम बोल रहे हो यकीन नहीं है, है ना? हाँ, यकीन नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं तेरा बात भी, लेकिन हम उस जगह पे ले जा सकते हैं जिस जहाँ यह सब सच्ची घटना या झूठी घटना के लोग दौर करते हैं, बोलते हैं कि ये जगह ऐसा हुआ था, और सच्चाई उस चीज़ को हम दिखाने की कोशिश कर देंगे और दिखाएंगे उस चीज़ को। तो क्या तुम जाने के तैयार हो? हाँ, हम जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा, जितना किलोमीटर भी जाना होगा हम जाएंगे, सिर्फ तुमको लेके चलना है जगह पे। हाँ, तो हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं रिसर्च करने के लिए, और इसके बाद में उस जगह पे हम लेके जाएंगे तुमको जहाँ पे लोग दावा करते हैं कि हाँ असली घटित हुए घटना, जिस चीज़ को लोग जिक्र करते हैं उस जगह पे हम लेके जाएंगे। तो क्या पब्लिक इस चीज़ को देखना पसंद करेंगे? तो चलो चलते हैं। था कि उस लोकेशन में हम लेके चलेंगे और दिखाएंगे, तो यही दिखाते रहते फिर रहे हो भाई। अरे भाई, तुमको जब वादा किए हैं कि जो कहानी है वो हकीकत में बदल सकते हैं, तुम विश्वास तो करो भाई। 2 मिनट 1 मिनट का समय दे सकते हो ना? वो जगह में हम तुमको पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी दिखा नहीं रहे तुमको, तो यकीन नहीं हो रहा है ना? यहां से यहां तक तुम पढ़ाई लिखाई किए हो ना, पढ़ लो और इसके बाद में तुमको दिखा सकते हो चीज़, तो चलो वो चीज़ को हम तुमको दिखाते हैं कि कहाँ पे अच्छा ऐसा चीज़ घटना हुआ था, सच्चाई या झूठी है वो चीज़, चलो हम तुमको दिखाते हैं। तो यही चीज़ को हम लोग देखने के लिए मध्य फिरते घूम रहे थे, जो कि बचपन में सुना करते, तो वो आज हकीकत में पलट गया। तो चलो, तो भाई देखो, जैसे कि है तुम जो देख रहे हो वो असलियत में तो देखने और सुनने में बहुत डिफरेंट है इसमें। हाँ, तो इसमें हुआ क्या था हम बता रहे तुमको। अच्छा, 7 भाई 1 बहन हुआ करती थी। अच्छा, तो इन लोग मतलब 7ों भाई ने अपने बहन का मांस खाया था, बस सिर्फ कहानी में ही इस जानते हो ना, उसके अलावा तुम नहीं जानते हो? नहीं नहीं नहीं। तो इसमें 7ों भाई बहन साथ में हम उन लोग रहते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ 7ों भाई शिकारी खेलने के लिए जाते थे। कहाँ शिकारी खेलने जाते थे? इधर पहाड़ी इस साइड पूरा जंगल था, अब तो उजाड़ हो गया है। अच्छा, शिकारी खेलने जाते तो घर में अपना बहन रहती थी। अच्छा। तो उसमें मतलब कि एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत लेट हो गया, तो सोचे कि भैया लोग आबे नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे मतलब क्या बनाएंगे? पहले के दौर में तो कुछ भी वैसा था ही नहीं खाने का साधन। अच्छा। तो फिर वो साग तोड़ने गई इधर खेत तरफ, तोड़ के लाई, उस साग को बना रही थी, तो बनाते हुए मतलब अपना उंगली को काट गई, मतलब कटा गई। तो उसमें क्या कि अगर हम कपड़े में पोंछेंगे तो मतलब कि सोचेंगे कि भैया देख लेगा, छोटा भाई बड़ा भाई कहीं भी पोंछेंगे, तो इसी वजह से साग में ही पोंछ ली, साग में ही पोंछ ली, और उसको सब्जी बना के मतलब कि सब भैया सबको खिलाई। अच्छा, तो अपना भैया सब जब साग खाया तो उन लोग को ऐसा लगा कि बहुत टेस्टिंग लगा, और दिन खाता था वैसा नहीं लगता था। अच्छा, तो उसका भाई लोग पूछने लगा उससे कि तू बहाना कि तुम क्या ऐसे आज डाली है कि मतलब कि तुमको आज खाने में बहुत स्वाद आया। तो फिर डरते डरते बताया कि भैया हम इस चीज़ बना रहे थे तो हाथ कट गए थे, तो मतलब खून उसी में पोंछ दिए थे। तो उन लोग को माइंड में कुछ अजीब चलने लगा। अच्छा, कि जब इसका खून इतना स्वादिष्ट है तो मतलब इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अच्छा, तो उसी तरह से उन लोग मतलब मारने का प्लान बनाने लगे। तो उन लोग मतलब कि उसका गांव मतलब इधर अगल बगल होगा। अच्छा, तो उसका बहन को इधर ही लेके आया, तो लेके आया, उसके बाद में देख इधर बता रहे हैं तुमको कि जो पेड़ देख रहा है केंद का पेड़ है। अच्छा, तो कौन चीज़ का पेड़ है? केंद का बोलते हैं, केंद केंद का। हाँ, केंद जो का कितना बड़ा बड़ा होता है। हाँ, केंद का पेड़ है। अच्छा, तो जैसे कि लोग ऐसा बोलते थे, उन लोग वो देखो मैं यहाँ उधर मेला लगा हुआ है बोल के उस सामने वाला पेड़ में ही अच्छा उन लोग बैठा दिया। अच्छा, और सब मतलब उन लोग भाई था ना। हाँ, 7ों भाई। हाँ, तो इधर साइड से ही उन लोग तीर का निशाना लगा रहे थे। अच्छा, छुप छुप के लगा रहे थे। पेड़ कहाँ है? वो पीछे वाला पेड़ है, सामने देखो। चलो दिखा तो सामने से, इधर से चलो। यही पेड़ है जिसमें अपना बहन को बैठा के उधर से लोग निशाना लगाते थे।
उधर से हाँ, उधर से निशाना लगाते थे। अच्छा, तो मतलब कि सारे भाई मतलब कि अपने निशाना अपने अपने लगाए, तो सबसे छोटा एक भाई उसको मारने नहीं चाहता था। छोटा भाई नहीं मारना चाहता था? नहीं मारना चाहता था। तो वो मतलब कि काना मतलब हम लोग बोलते हैं तिरछा देखता था काना टाइप का। अच्छा, तो वो मतलब कि चाकर भी मतलब कि एम लगाया तो लग गया तो उसका बहन का मृत्यु हो गया। मतलब कि जो नहीं मारना चाहता था उसी का तीर से उसको लग गया। हाँ, लग गया तो मर गया। अच्छा, तो अब इसके बाद में तो अब उन लोग भाई लोग सोचा इसको तो मार दिए। अच्छा, इसको बनाना है। अच्छा, तो छोटा भाई को वो पहाड़ी दिख रहा है ना, पहाड़ी उपहाड़। हाँ, अच्छा, तो उधर उसको छोटा भाई को लकड़ी लाने के लिए भेज दिया। हाँ, रहेगा तो मतलब कि तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा हर चीज़ के लिए। अच्छा, बाधा बनेगा बोल के उधर भेज दिया। तो वहाँ लकड़ी लाने गया, ना रस्सी दिया, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, अब लकड़ी ले कर कैसे आएगा। अच्छा, इसके बाद में लकड़ी तो चुन लिया, ले कर आने के लिए बहुत उसको दिक्कत होने लगा, बैठ के रो रहा था। अच्छा, रो रहा था तो एक सांप निकला बहुत लंबा। अच्छा, वो पूछने लगा सांप कि क्यों रो रहे हो। तो सांप को सारा कुछ सच्चाई बताया। अच्छा, इसके बाद सच्चाई बताया तो सांप बोला ठीक है, ऐसी बात है तो हम लकड़ी में लपट जाते हैं, तुम ले कर चलो। अच्छा, तो फिर ले कर तो ले लाया यहाँ पे लकड़ी। अच्छा, इसके बाद में जैसे कि देख रहे हैं सामने घैला रखा हुआ है। हाँ, घैला पुराने जमाना का ही घैला है। अच्छा, तो ये घैला को ही लेके लोग बोल दिया कि तो पानी लेके और इसमें छेद कर दिया था इसमें। हाँ, अच्छा, तो छेद कर दिया तो चलो हम उस चीज़ को भी दिखाते हैं पानी लेने के लिए कहाँ गया था। वो पानी लेने के लिए आया था, अभी तो कुआं मतलब कि फिलहाल में मतलब कुछ साल पहले बना हुआ है। अच्छा, तो पहले यहाँ डोभला था। कहाँ पर? यहाँ पे डोभला था, मतलब पानी जमा होता था। डोभला मतलब कुछ जानते हैं? डोभला जो पानी जमा खेत खरियार का जमा होता है था पानी यहाँ पे। अच्छा, तो पानी लेने के लिए हाँ पानी तो भर लिया, सारा पानी निकल जाता है, तंग हो गया वो। अच्छा, कि कैसे पानी लेके जाए हम। अच्छा, वो लोग अन्याय इसलिए किया था ताकि उसको लेट हो, हम लोग बना लेंगे उस चीज़ के लिए उन लोग ऐसा किया था। इसके बाद में बैठ के यहीं पे रो रहा था वो छोटा भाई, यहीं पे रो रहा था बैठ के। इसके बाद मेंढक निकला, मेंढक रानी निकला। इसके बाद में वो मेंढक पूछने लगा, मेंढक को बताया सारा कुछ तो ठीक है। वो बोला वो मेंढक जहाँ जहाँ छेद था ना वहाँ मेंढक घुस के चिपक गया। इसके बाद पानी लेके फिर वहीं गया। यानी कि जिसको नहीं करना था उसी के साथ में वो चीज़ होता था। हाँ, छोटा भाई के साथ में। हाँ, उसके बाद में आगे? इसके बाद में फिर यहाँ से पानी लेके वहाँ गया, तब तक उन लोग बनाया। और साथ साथ में मतलब कि यहाँ पे पानी जब भरने आया था तो केकड़ा मछली भी पकड़ के ले गया था। यहीं से ले गया था। यहीं से केकड़ा और मछली भी पकड़ के ले के गया था यहाँ से। अच्छा, तो और की कहानी वहीं पे तुमको बताते हैं। वहीं हुआ था क्या? फिर वहीं पे जाना होगा। हाँ, चलो उसके बाद में फिर आगे बताओ। तो उसके बाद में तो पानी लेके आ गया। अच्छा, उन लोग सब मतलब कि अपना बहन का जो भी मांस था। हाँ, उन लोग बना चुका था पीस जो भी बोलो। अच्छा, उसके बाद में सारा कुछ बनाया उन लोग और यहीं पे पकाया था। अच्छा, तो मीट को सारा मतलब है सातों जो देख सकते हैं, बड़ा से छोटा से सारा कुछ है सातों। अच्छा, का समाधि यहाँ बना हुआ। अच्छा, ये है सबसे बड़ा, ये है छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा करते। हाँ, छोटा हो गया है। हाँ, छोटा सबसे छोटा का वो है। अच्छा, तो इसके बाद में सारा उन लोग मांस बटाया, इसके बाद में छोटा भाई को दिया खाने के लिए। तो मतलब कि करे तो करे का, अपना बहन को तो मारना नहीं चाहता, मांस भी उन लोग भाई लोग दे दिया बना के खाने के लिए। अच्छा, तो करे क्या, मजबूरन हो गया वो अलग इधर ही बैठा था, सब भाई लोग इधर बैठा था खा रहा था। उन लोग मांस खाता था तो ये मछली खाता था, और लोग हड्डी चबाता था तो केकड़ा चबाता था। अच्छा, ये लोग मांस खाता था तो वो लोग छोटा भाई मतलब केकड़ा खाता था। हाँ, ताकि छोटा भाई को लगे कि हम भी खा रहे हैं। हाँ, साथ में ताकि उन लोग को शक ना हो। अच्छा, तो इसी वजह मजबूरन में वो किया। और जो मांस बचा था यहाँ पे टीलही था, टीलहा जो जानते जो कहाँ टीलहा है, जो मतलब कि टीलहा जो इस तरह से पहले छोटा छोटा छेद देख रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, दिखा दो भाई इधर, ये टीलहा जो बोलते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे टीला था इस जगह पे टीला था। तो उस सारे मांस को उन्होंने मतलब इस टीले में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद में टीला में डालने के बाद में फिर वही टीला से बांस का निर्माण हुआ। मतलब जो मांस को डाला था वही मांस से ये बांस का निर्माण हुआ। हाँ, मतलब उग गया। हाँ, और इसके बाद में तो हम लोग काफी अपने अपना घर परिवार के साथ रहने लगे। इसके बाद में एक जोगी था तो रास्ते में भटकते हुए इस बांस को काट के एक केंद्रा बनाया। केंद्रा बजाने वाला। पहले के भिखारी लोग, आजकल के भिखारी लोग सूट बूट भी पहन के भीख मांगता है, मिल जाता है। हाँ, पहले लोग भिखारी लोग मतलब कुछ नाच गान करता था तभी उसको चावल दाल कुछ खाने के लिए मिलता था पहले के जोग में। अच्छा, मेहनत करके हूँ भिखारी करता था। मतलब कि भिखारी भी था लेकिन यो कोई चीज दिखाता था उसके बाद में यो मांगता था मांगता था कुछ बजा के या नाच के ऐसा। हाँ,
तो इस बांस को ही काट के वो केंद्रा बनाया था बजाने वाला यंत्र। अच्छा। तो इसके बाद में भिक्षा देने के लिए सामने ही गांव है तो गांव तरफ गया था वो। अच्छा। तो गांव तरफ गया इसके बाद भिक्षा लेने के लिए, तो सारे गांव बजाता था, सारे घर में बजाता था, अच्छा तरह से बजता था। अच्छा। तो सातों घर में जब आया, मतलब कि लोग जो भाई था लोग में, तो वहाँ बजने ही नहीं लगता था, केंद्रा से आवाज आता था एक ही चीज, मत बाज रे केंद्रा, ये तो लागे दुश्मन कर घर रे। तो जोगी भी वो तंग हो जाता था कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे से करते सातों छः भाई के घर गया, सातवें घर के बाद जब पहुंचा वो, तो हुआ कि जब उसके घर में जब बजाया तो बजने लगा, बज रे केंद्रा ये तो आपन लागे घर। उसको हिंदी में बताना थोड़ा सा, मतलब हिंदी में बोल रहे हैं कि बज रे बाजा। हाँ। बजो रे बाजा, मतलब ये तो अपना घर है। अच्छा। छोटा भाई के घर में जब गया जोगी तो बजने लगा। अच्छा। तो बजने लगा, इसके बाद में फिर हुआ क्या कि उसका जो भाई लोग था सोचने लगा कि जादू टोना तो नहीं जानता है, हम लोग घर में नहीं ये बाजा, छोटका घर में कहे बाजा बज रहा है। अच्छा। ऐसा हुआ तो फिर उसको मतलब ऐसा किया लोग, उसको फिर उसका भाई बचाया कि मत मारिए ऐसा बोल के। तो इसके बाद में वो जोगी से एक दिन ऐसा किया छोटा भाई, वो जो बजा बनाया था उसको चुरा लिया वो, कि ऐसा क्या इसमें है कि मतलब इसमें मेरे घर में बजा वो बाकी वो घर में नहीं बजा। और तो इसके घर में बजने लगा। बजने लगा तो ऐसे कुछ हुआ। तो फिर जब भी मतलब काम के सिलसिले में कहीं भी जाता था तो उसका जो केंद्रा जोगी का केंद्रा था ना, उसमें तो उसका बहन का आत्मा बसा हुआ था ना। अच्छा। हाँ, हाँ। तो कभी भी वो जाता था कहीं करने के लिए, जब घर में आता था तो झाड़ू पोछा हर कुछ काम किया हुआ रहता था उसमें से, मतलब वो अपना बहन निकलती थी और सारा कुछ काम कर देती थी, उसका आत्मा निकल के, आत्मा निकल के काम कर देते थे, काम कर देती थी। तो फिर इसके बाद में फिर वो समझ में नहीं पाता था वो कि मतलब हो कहाँ रहा है मेरे साथ। अच्छा। तो ऐसा तो हुआ था घटना। तब इसके बाद कुछ दिन होते 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 इसके बाद में वो सोचने लगा कि मेरे यहाँ भूत बताल तो नहीं है, हर चीज़ कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि मेरे घर में सारा कुछ काम कर। एक दिन मतलब कि वो घर में ही छुप के देख रहा था कि ऐसा क्या है जो मेरे घर का सारा काम कर देता है। तो देखा कि मक्खी बन के निकला केंद्रा से और अपना बहन का रूप ले लिया। मक्खी बन के निकला, उसके बाद में बहन का रूप ले लिया। हाँ, ले लिया और उसके बाद में वही सारा कुछ काम, वो घर का काम वो कर दी। इसके बाद में उसको अपने आप में बहुत दुखी महसूस हुआ कि हम तो अपना बहन को जान से मार दिए मगर बहन मेरे साथ है। तो उसी दिन वो अपना केंद्रा को तोड़ दिया। अच्छा। तब इसके बाद में फिर लोग बोलते हैं कि कहानी के अंदर में फिर दोनों भाई बहन उन लोग फिर साथ ही रहने लगे, पर मतलब कि वो कहानी के दौर से ही बोल रहे हैं, पर वो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ तो उस चीज़ को हम भी नहीं जानते हैं। जो दादा परदादा हम लोग को बताते आए उस चीज़ को हम बताने की कोशिश किए और इतना दूर हम लोग आए उस चीज़ को देख सकते हैं कि उसका बहन का समाधि भी उसका इधर तो देखते हैं कि सातों छः भाई का है, सबसे भाई छोटा का इधर है और इधर, और बहन का शायद लोग बोलते हैं कि इधर ही साइड यही है उसका बहन का समाधि है ना। ये है, ये है। अच्छा। और देख सकते हैं टीला वाला अभी भी निशान है वही से, मतलब कि बांस का अथी हुआ है। तो कहानी जितना हमको पता था उस चीज़ को हम दिखाने की कोशिश किए तुमको, क्योंकि तुम दावा करते थे ना कि बचपन में सुना हुआ कहानी दादा दादी लोग सुनाते थे, क्या झूठ है कि सच है, तो तुमको दिखाने की कोशिश किए। और ये सब जानने के लिए हम लोग को बेतार रूप से हम लोग को मतलब पूर्वजों से सुनेंगे तो ही अच्छा से हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि बहुत साल हो गया तो हम भी उस चीज़ को भूल गए, पर ये चीज़ को हम जहाँ तक मेरा कोशिश हुआ दिखाने के लिए हम दिखाने की कोशिश की है। ये कहानी सिर्फ आज का नहीं है, ये सतयुग का कहानी लोग दावा करते हैं। और हमारे तो मतलब कि यहाँ हम लोग कितना दूर में आए हैं, लगभग हम लोग का लगभग 200 किलोमीटर दूरी में आए हैं, और सुन सके 200 किलोमीटर जब ये कहानी जब फैल सकता है तो ये सच्ची घटना है ना। और ये चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश की हम लोग, उतना दिन से हम लोग काफ़ी रिसर्च किए, इसके बाद इतना रिसर्च करने के बाद में इस जगह को पता चला और हम उसके बाद में हम लोग यहाँ आए। तो सोच सकते हो कि आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं और कितना मेहनत करते हैं। तो ऐसी अगर आप लोग के मन में अगर कुछ कहानी ऐसा है तो उस चीज़ को हम लोग को शेयर कीजिए, हम लोग उस लोकेशन पे जाएंगे और उस लोकेशन को आप लोग को दिखाएंगे, हर चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कोई भी ऐसा माइंड में कभी दादू लोग से दादी लोग से सुने होंगे कहानी तो हम लोग को उस चीज़ को बताएं कमेंट में, हम लोग उस चीज़ को भी सच्चाई प्रूफ करने की दावा रखते हैं। तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी बात कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, एक छोटी सी प्यारी सी दिल दे देना। तो यहीं पे समाप्त करेंगे, सभी को बाय बाय।